मुकाबला तेलुगु टाइटंस का होगा। जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ एक तरफ हाई फ्लायर पवन सहरावत तो दूसरी तरफ रेड मशीन अर्जुन देसवाल। कुछ देर पहले यह टॉस हुआ जहां पर जयपुर पिंक पैंथर्स ने टॉस जीता है। पहली रेड तेलुगु टाइटंस की, क्या फ्लाइट टेक ऑफ होगी आज? ये दूसरा मुकाबला है 12वें लेग के पहले दिन का, जहां जयपुर पिंक पैंथर्स तेलुगु टाइटंस से भिड़ रहे हैं। पवन सहरावत पहली रेड पर, पवन सहरावत का ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लीजिए, नंबर 3। और ये क्या धमाकेदार शुरुआत, सुपर रेड के साथ शुरुआत की है पवन सहरावत ने तेलुगु टाइटंस की। ओहो, सुपर रेड नहीं हो पाई, 2 पॉइंट दिए गए हैं। ऐसे लगा 3 पॉइंट संजय दा ले लिए। जिस किस्म का इनका फॉर्म रहा है पिछले सीजन से लेकर अब तक, क्लियरली पवन सहरावत का अगर कोई उत्तराधिकारी है तो वो अर्जुन देशवाल ही होगा। बहुत ही बेहतरीन ये किक पवन सहरावत का, तेलुगु टाइटंस डीप अंदर गए थे। 44 आउट। पिछले मैच में भी ऐसी शुरुआत की थी, पहली रेड से वो फुटवर्क नजर आ रहा था पवन सहरावत का, बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं आज। डीप जाके वो किक करके एक पॉइंट हासिल किया, उससे 5 नहीं। अगर आप पिछला मुकाबला पवन का देखें तो वो भी लाजवाब था। अर्जुन देशवाल 233 रेड पॉइंट, क्या टॉप पर जाएंगे और क्या अपनी टीम को टॉप पर ले जाएंगे, ये दोनों चीजें हैं, संभावित हैं। लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं हुई। लेफ्ट कॉर्नर अंकित मौजूद थे, अंकित सीधे गए पैरों पर, जबरदस्त पकड़ बनाई, अच्छा शिकार किया अर्जुन का, बहुत ही अच्छा ये टैकल। बोनस ले लिया था अर्जुन ने, डीप अंदर गए प्रफुल सावरे। चार की डिफेंस में, चार चार से बराबरी तेलुगु टाइटंस और जयपुर पिंक पैंथर्स की। अच्छी शुरुआत करी है तेलुगु टाइटंस ने आज के मुकाबले में, लीड जरूर ली, लेकिन एक बार फिर से जयपुर पिंक पैंथर्स का डिफेंस टूट पड़ा। लकी, बिल्कुल लकी, फिर लकी साबित हुए अपनी टीम के लिए, सामने खड़े थे ब्लॉक करने के लिए। बहुत ही अच्छा चेन टैकल लकी शर्मा का, हालांकि राइट कॉर्नर में खेलते पर लेफ्ट कॉर्नर से वो चेन इनिशिएट किया, बहुत ही बेहतरीन। अर्जुन देशवाल कोर्ट से बाहर, और जब जब अर्जुन देशवाल कोर्ट से बाहर रहते हैं तो एक तिलमिलाहट सी महसूस होती है जयपुर पिंक पैंथर्स के खेमे में। बिल्कुल, एक पॉइंट का फासला है पैंथर्स के खाते में, और मंत्रा सबसे बड़ी बात, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आज तक प्रो कबड्डी में कभी उन दो टीमों के बीच मुकाबला नहीं हुआ जिनके बीच 65 पॉइंट्स का फासला है। जयपुर पिंक पैंथर्स 82 पॉइंट्स पर हैं और टाइटंस 17 पर, और जयपुर पिंक पैंथर्स सीजन 10 के ये प्रदर्शन आपके सामने। मिल्ला जब्बारी, तेलुगु टाइटंस को पॉइंट यहां पर मिला है, और क्लियरली आप देख सकते हैं वहां पर किस तरीके से जयपुर पिंक पैंथर्स के रेडर्स कितना अर्जुन देशवाल पर डिपेंड करते, पूरी टीम कितना डिपेंड करती है। 233 उनके, और दूसरे नंबर का जो रेडर है वो 100 के भी नीचे। अब ये एक कमजोरी कहें या मजबूती कहें, लेकिन यहां पवन सहरावत फिर कामयाब हो जाएंगे। पवन सहरावत पर अभिषेक टूटे थे, लेकिन ये चौथा रेड पॉइंट है पवन सहरावत का। बहुत ज्यादा एडवांस आए थे अभिषेक, हल्की सी छलांग लगाई पवन ने, बेहतरीन रेड पवन की, मौका दिया नहीं पैरों पर जाने के लिए अभिषेक को। निशंक मंत्रा जैसे कह रहे थे कि अर्जुन देशवाल के 233 रेड पॉइंट और नंबर 2 रेडर के 77 रेड पॉइंट, किस तरह से आप देखते हैं, ये अच्छी बात है या कमजोर बात है? अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है संजय दा, बहुत ज्यादा निर्भरता रही है अर्जुन देशवाल पे, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है प्लेऑफ्स में, शायद हम कह सकते हैं, क्योंकि अर्जुन देशवाल को अगर शांत रखा तो टीम स्ट्रगल करते हुए दिख सकती है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना तोते की जो जान होती है, राजा की जान तोते में होती है, तो अर्जुन देशवाल को अगर आपने साध लिया तो मुकाबला साध लिया। टीवी अंपायर, तेलुगु टाइटंस चैलेंज रीडर सेफ 2 पॉइंट्स, आवर डिसीजन 1 डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड्स एंड रीडर आल्सो आउट, सुपर टैकल, प्लीज रिव्यू। यहां पे तो डिफेंडर सेल्फ आउट हुए संजय दा, पर रिव्यू इस बात का भी लिया है कि
आगे जब रनिंग हैंड टच की कोशिश थी, ये जो सुनील कुमार के ऊपर टच किया पवन शेरावत ने, तो वो कहीं ना कहीं वो घुटने पे टच हुआ है या नहीं, ये देखना होगा हमें। रिव्यू अनसक्सेसफुल, वन डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड्स, वन पॉइंट तेलुगु टाइटंस, रेडर आउट, सुपर टैकल, टू पॉइंट्स जयपुर पिंक पैंथर्स। क्योंकि जब कोई टीम किसी के खिलाफ अगर अर्जुन देसवाल नहीं चलेंगे तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, और अब तो प्लेऑफ्स है, अब नॉकआउट दौर शुरू हो जाएगा। और ये बढ़िया तरीके से पैरों पर गए, मिला जब्बारी भी थे और अभिजीत भी थे, अभिजीत ने रोका, रनिंग हैंड टच की कोशिश थी प्रफुल जावरे की, लकी और अभिजीत दोनों ने इनिशिएट किया वो टैकल, बिल्कुल डू और डाई है, और डू और डाई में अभिजीत मलिक पहुंचे थे, कामयाबी के साथ लौट नहीं सके। इस बार मिला जब्बारी ने काम किया, बहुत ही अच्छा ये सिंगल था होल्ड करके रोका अभिजीत को मिला जब्बारी ने, और एक बार फिर इस खिलाड़ी को देखने का मौका, तेलुगु टाइटंस के भारतीय कबड्डी के स्टार पवन सहरावत, पांच रेड में अब तक के चार रेड पॉइंट है इनके नाम। ये सीजन भले ही तेलुगु टाइटंस के लिए इतना खास ना रहा हो, लेकिन पवन सहरावत जब जब आते हैं अपना जलवा दिखाते हैं, लेकर गए हैं, जी हाँ, दो पॉइंट्स पवन सहरावत के नाम, जाते जाते आघात लगा रही है तेलुगु टाइटंस। हमेशा से हावी होते हैं सुनील कुमार पर, आज भी वही कर रहे हैं पवन शेरावत, गलती करवा रहे हैं सुनील से, यहां पर बोनस लेकर के गए और अब सब्स्टिट्यूशन, सिर्फ एक पॉइंट की नीड है जयपुर पिंक पैंथर्स के नाम। और पवन शेरावत यहां सुपर टैकल की सिचुएशन में, रजा है वहां लेफ्ट कॉर्नर पर, उनका इंतजार कर रहे हैं, और ये छलांग बेहतरीन लकी के ऊपर, और लकी को अनलकी करके वापस भेजा पवन सहरावत ने, वन पॉइंट तेलुगु टाइटंस, रॉक सुपर, और यहां से रॉक सुपर टैकल से बचते बचाते निकल गए पवन सहरावत, जयपुर पिंक, बहुत ही अच्छा पॉइंट ये पवन का, अपने पैरों को बचाकर खेल रहे हैं आज संजय दा, देखिए जिस तरह से हाथ आगे लेकर जा रहे, पैरों पे जाने का मौका दे नहीं रहे डिफेंस को, बहुत ही समझदारी वाली रेड कर रहे हैं पवन शेरावत आज। अर्जुन देसवाल आए हुए हैं, कुल मिलाकर पांच रेड्स में तीन पॉइंट्स हैं इस समय, सात की डिफेंस में अर्जुन देसवाल, बोनस देख लीजिए, चार बोनस हैं, और यहां पर रिवाइवल ले लिया अर्जुन देसवाल ने, अपनी टीम को ऑल आउट के रास्ते से बाहर निकाल दिया, कुछ हद तक बोनस भी लेकर के गए और एक रिवाइवल भी लेकर के गए, लीड भी दिला गए अपनी टीम को, बहुत ही अच्छा ये बैक किक देखने मिला हमें अर्जुन देसवाल का, असलम इनामदार ने भी इस सीजन में ऐसे ही कुछ किक करके एक पॉइंट हासिल किया था, पर यहाँ पे पवन शेरावत कामयाब, एक और पॉइंट, एक बार फिर उसी सिचुएशन में जयपुर पिंक पैंथर्स, तेलुगु टाइटंस जयपुर पिंक पैंथर्स को ऑल आउट के करीब धकेलती हुई, ये इस मुकाबले का पहला ऑल आउट होगा, और किसी ने सोचा ना था कि डिफेंडिंग चैंपियन इस लीग की टॉप टू टीम्स में से एक, इस सीजन की टॉप टू टीम्स में से एक ऑल आउट होगी तेलुगु टाइटंस के सामने। बिल्कुल, इस बार क्या रिवाइव करा पाएंगे, नहीं करा पाए, शंकर गदई ने कमाल कर दिया, अर्जुन देसवाल बाहर गए, बोनस जरूर ले गए चाहते चाहते, लेकिन जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, प्रो कबड्डी में आप ऑल इन होते हैं, तेलुगु टाइटंस के पास अभी भी मौके की कमी नहीं है, पिछले मैच में भी तेलुगु टाइटंस फर्स्ट हाफ में लीड कर रही थी संजय दा, फर्स्ट हाफ अच्छा रहता है तेलुगु टाइटन का, पवन सहरावत हाई फ्लायर ने टेक ऑफ कर दिया है, और इनकी फ्लाइट हरियाणा के आसमानों में गूंज रही है, कितने, एक दो तीन, कितनों की बजी बीन, तेलुगु टाइटंस तीन नहीं चार, पवन कबड्डी का सरदार, बिल्कुल ठीक है, पवन सहरावत ने अपना सुपर टेन भी पूरा कर दिया, सिर्फ नौ रेड के अंदर उन्होंने सुपर टेन पूरा किया, क्या अद्भुत फॉर्म है, बहुत ही बेहतरीन ये रेड पवन की, जब पहली रेड की थी संजय दा ऐसी ही कुछ रेड थी पवन की, और यहाँ पे अर्जुन फिर से बाहर चले गए,
मिला जबरी बेहतरीन ब्लॉक वो। आपको शॉक लग रहा होगा लेकिन एग्जैक्टली हम सब की हालत भी वही है। पाडाबिया तेलुगु टाइटंस अलग रूप से निखरती हुई नजर आ रही है। नंबर 44 काश में कह सकता दे रहा है दुरुस्त है। बिल्कुल पवन शेरावत ने आज अद्भुत प्रदर्शन किया। यहां ओंकार थे, ओंकार पाटिल और मिडलाइन को उन्होंने इत्मीनान के साथ क्रॉस किया। कमजोर टैकल था उनके पैरों पर। जयपुर पिंक पैंथर्स अभी भी ऑल आउट के खतरे से पूरी तरह से उभरे नहीं है। ओहो, छलांग लगाने की कोशिश जरूर की थी लेकिन टेक ऑफ के लिए जितनी जगह चाहिए थी वो वहां पर मौजूद नहीं थी। बहुत ही जबरदस्त है चेन शंकर गदई की। ओमकार पाटिल के साथ चेन लेकर आए थे, रोक लिया उस छलांग को अभिजीत की। एक बार फिर से सुपर टैकल ऑन है लेकिन हर बार संडे नहीं होता। पवन सहरावत आज अंगार बरसा रहे हैं। एक बार फिर जयपुर पिंक पैंथर्स ऑल आउट की तहलीज पर जा रहे हैं। पवन सहरावत कमाल कर रहे हैं। आज को मिलाकर 11 रेड में अब तक 13 पॉइंट हैं और इसके साथ ही जयपुर पिंक पैंथर्स ऑल आउट हो गए। जयपुर पिंक पैंथर्स ऑल आउट 1+2-3 पॉइंट्स। तेलुगु टाइटंस जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। प्रो कबड्डी में ऑल आउट के बाद आप ऑल इन होते हैं। पवन तो आज अद्भुत प्रदर्शन कर रहे हैं, डिफेंस में भी कामयाब, बेहतर पॉइंट्स लाते हैं और दूसरे हाफ में वो पॉइंट्स कम हो जाते हैं। 10 मिनट से बाहर बैठे अर्जुन देशवाल और यहां अच्छा बैटर्स। और जहां तक तेलुगु टाइटंस का सवाल, बेहतर प्रदर्शन इस मुकाबले के अंदर खासतौर से पवन सहरावत। 8 पॉइंट की लीड है, 28-20 से तेलुगु टाइटंस आगे हैं इस समय। और यहां सेल्फ आउट का खतरा है। शंकर गदई क्या अपने आप को रोक, वहां बिल्कुल पीछे चले गए, जयपुर पिंक एंड लाइन से पीछे गए। रनिंग एंड टच की कोशिश थी अभिजीत की, बैलेंस खोया शंकर गदई ने। सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं अर्जुन देशवाल। जैसे कि आपको याद दिलाया था हमने कि ये उनका बेस्ट फेज है 20 से 30 मिनट के बीच में। अर्जुन देशवाल आज बहुत बढ़िया नहीं खेल पा रहे हैं, उतने पॉइंट्स में नहीं है और यही वजह है जयपुर पिंक पैंथर्स लगातार ट्रेल कर रहे हैं। एक बार फिर पवन शेरावत बाहर आ गए, एंड लाइन से बाहर निकल आए जयपुर पिंक पैंथर्स। शंकर गदई इससे पहले, पवन शेरावत अब तो लगातार अगर आप इस तरह के पॉइंट लूज करेंगे तो परेशानी होगी। कोई बैलेंस खोया पवन शेरावत ने। दू और डाई पर ओमकार पाटिल और आते ही गए सुनील ने डिफेंस में एक बार फिर कमाल किया। ये दूसरा टैकल पॉइंट सुनील का आज का, बहुत ही अच्छा ये टैकल सुनील का। चेन लेकर आए रेजा के साथ, मौका दिया नहीं। चेन टैकल बहुत पावरफुल होता है सुनील का, मोमेंटम ब्रेक करते हैं पूरी तरह से रेडर का। और इस वक्त मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तेलुगु टाइटंस का। तेलुगु टाइटंस जो आज की शाम एक भी बार ऑल आउट नहीं हुई है, अब ऑल आउट की कगार पर। यहां सुपर टैकल हो सकता था लेकिन जयपुर पिंक पैंथर्स इस मुकाबले में कमाल का कमबैक कर रही है। अर्जुन देशवाल का ये एस्केप, एंकल होल्ड की कोशिश अंकित जागलान की, कामयाबी अर्जुन देशवाल को मिलते हुए एक पॉइंट लेकर लौटे। बिल्कुल इसी बात का हमने जिक्र किया था कि पहले हाफ की जो लीड है क्या उसे दूसरे हाफ में बना करके रख पाएंगे, क्योंकि कहानी बदल जाती है। ऑल आउट हो गए तेलुगु टाइटंस। सुनील ने एक बार फिर दोनों पैरों पर जाकर के टैकल किया, बोनस ले लिया। जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। प्रो कबड्डी में आप ऑल आउट के बाद ऑल इन हो सकते हैं लेकिन पैंथर्स ने वापसी के रास्ते पर मजबूत लौटना शुरू किया है। जी हाँ बिल्कुल, इस सेकेंड हाफ में तेलुगु टाइटंस फिसलती सी नजर आ रही है। जिस किस्म की लीड उन्होंने बरकरार रखी थी, 100 मीटर की दौड़ तो आपने देखी सुनी है। और ये साथ के डिफेंस में डैश आउट कर दिए गए लेकिन जाते जाते क्या कितने पॉइंट्स बटोर लेंगे,
दो पॉइंट्स कम से कम अर्जुन देशवाल को मिलने चाहिए। सुपर रेड है ये अर्जुन देशवाल की। बोनस भी लेकर के आए और जाते जाते मिड लाइन को क्रॉस कर लिया। डोंट आर्ग्यूमेंट बिफोर द डिसीजन, ओके प्लीज। बहुत ही जबरदस्त ये सुपर रेड। बोनस करके अपने एंकल को एस्केप किया अंकित जागलान से। मिला जबारी, कमजोर टाइमिंग उस डैश का। पवन सेरावत पॉइंट लेकर गए हैं। दोनों ही टीमों के स्टार रेडर्स अपने सुपर टेन लगा चुके हैं। पवन सेरावत के 15, अर्जुन देशवाल के 11 और ड्रीम 11 गेम चेंजर कॉन्टेस्ट के विनर बेहद खुश। और उस पिछले पॉइंट के साथ अर्जुन देशवाल इस सीजन के नंबर 1 रेडर बन चुके हैं। बहुत ही एडवांस टैकल। तेलुगु टाइटंस अब गलतियों पर उतारू हो गए हैं। शंकर गदई इतने आगे जाकर के टैकल करने की उन्होंने कोशिश की। जयपुर पिंक पैंथर्स एक बार फिर सुपर रेड लीजिए। जयपुर पिंक पैंथर्स अब वापस लीड पर आ गए हैं। लगातार दूसरा ये सुपर रेड अर्जुन देशवाल का। बहुत ज्यादा एडवांस गए थे शंकर गदई, जरूरत थी नहीं सिंगल ब्लॉक। और उसका थोड़ा सा असर लेके इस सीजन भी उनके प्रदर्शन पर वो असर दिखा। अर्जुन देशवाल निरंतरता के साथ पॉइंट्स ला रहे हैं। 3 का डिफेंस है, सुपर टैकल ऑन है, रॉक सुपर टैकल। और प्रवेश भैंसवाल पर थ्रेट बराबर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यहां पवन सेरावत ने कहा अर्जुन भाई आइए, इंतजार कर रहे हैं। एक साथ दोनों पैरों पर गए, रॉक सुपर टैकल यहां कामयाब हुआ, मगर की जकड़ से, पवन की जकड़ से निकल पाना संभव नहीं था। बहुत ही जबरदस्त ये टैकल, भेंट किया अर्जुन देशवाल को, मजबूर किया अपने ऊपर दौड़ने के लिए। हमने कहा था कि 21 से 30 मिनट के इस क्षेत्र में, इस टाइम पीरियड में अर्जुन देशवाल का रिकॉर्ड सबसे बेहतर होता है और दो सुपर रेड लगाए उन्होंने। और यहां पे मिलाद जब्बारी का बेहतरीन टैकल। मिलाद ने भी आज अपना हाई फाई कंप्लीट किया है, बेहतरीन टैकल ये। अभिजीत को जिस तरह से रोका, पैरों पर गए, मौका दिया नहीं जंप लगाने का। पवन सेरावत 16 रेड पॉइंट्स आज की रात इनके नाम। हम आदि थे पवन सेरावत के परफॉर्मेंसेस के, जो कि आज वापस देखने को मिल रहा है। हालांकि यहां पर टैकल हुए पवन, ये देखना होगा कोई डिफेंडर सेल्फ आउट हुआ है क्या पहले। पवन सेरावत को वो डाइव इनिशिएट करने के पहले आशीष शायद सेल्फ आउट हुआ है। 44 आउट ऑफ बाउंस, राइडर सेव, 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस। मेरे हिसाब से थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा मोटिवेशन, जो शुरुआत में ज्यादा चेंजेस हुए टीम में, वहां से कहीं ना कहीं दिक्कत हुई होगी टीम को। हमने देखा था कि ये टीम सेट हो नहीं पा रही थी, मौका देना चाहिए था तभी कोच ने। अगर इन्हीं खिलाड़ियों को ज्यादा मौका दिया जाता, अगर उनको बैट किया जाता, तो ये टीम अच्छा करते हुए दिखती हमें। बिल्कुल रेडर आउट और यहां पर बाहर जाएंगे पवन सेरावत। अब दिक्कत ये है कि पवन सेरावत कब रिवाइव होकर के लौटेंगे। और यहां सुनील के साथ वन ऑन वन में फंस गए पवन सेरावत। जयपुर पिंक पैंथर फेल टैकल्स देख लीजिए, ये आंकड़े कतई जयपुर पिंक पैंथर्स को पसंद नहीं आएंगे। 16 फेल टैकल हैं जयपुर पिंक पैंथर्स के और टाइटंस के सिर्फ 10 फेल टैकल्स हैं। और यहां लॉबी में गए कॉन्फिडेंस दिखाते हुए लकी शर्मा को बाहर किया। टाइटंस अब बहुत पर है एक बार फिर। बहुत ही जबरदस्त ये रनिंग हैंड टच पवन सेरावत का, रॉन्ग साइड से दौड़े थे लकी शर्मा को टच करने के लिए। क्या आज की रात वो रिकॉर्ड्स बदलने वाले हैं। एक बाहर जाती टीम जो प्लेऑफ में तक नहीं है, क्या वो डिफेंडिंग चैंपियंस को पछाड़ेगी? क्या यहां पर रॉक सुपर टैकल की सिचुएशन और जयपुर के डिफेंडर्स ने, कप्तान सुनील ने साबित कर दिया कि वो डिफेंडिंग चैंपियंस क्यों है। हिसाब बराबर हो गया। पहले पवन सेरावत ने अर्जुन देशवाल पर पकड़ बनाई। प्लीज कम, व्हाट इज योर चैलेंज? यू वांट रेडर आउट? यस सर। प्लीज रेडर,
जयपुर पिंक पैंथर्स चैलेंज रेडर आउट सुपर टैकल आवर डिसीजन वन डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड फर्स्ट देन इन्वॉल्व इन स्ट्रगल रेडर सेफ प्लीज रिव्यू क्योंकि लॉबी आप आउट हो गए थे और उसके बाद आप स्ट्रगल में गए जाहिर है कि रेडर सेफ दिया जाएगा बहुत ही पार की नजर एम्पायर्स की ऐसे सिचुएशन में अगर ये डिसीजन yes. देना बहुत बड़ी बात है मंत्रा ओके थैंक यू रिव्यू ऑन सक्सेसफुल नंबर टू आउट रेडर सेफ वन पॉइंट तेलुगु टाइटंस कैप्टन नो मोर रिव्यूज योर रिव्यूज ओवर सब कुछ हो रहा है आज की रात यहाँ दादा एक ऐसे मुकाबले में जिस मुकाबले में कुछ भी स्टेक पर नहीं लेकिन प्राइड स्टेक पर है दादा सुनील आए हैं रेड पर सात का है डिफेंस सुनील के लिए मौका क्या रिवाइवल लेके जाएंगे अगर रिवाइवल नहीं मिला तो मुश्किल में पड़ जाएगी जयपुर पिंक पैंथर्स लीड और कंसोलिडेट होगी दो रिवाइवल एक नहीं दो और साथ में बोनस भी दीजिए सुपर रेड लगा गए हैं यहां पर सुनील ऐसे लम्हों में टीम को वापस लेकर आए हैं जब शायद टाइटंस जीत के ख्वाब सजाने लगा था और ये शंकर गदई की बहुत बड़ी गलती बहुत ज्यादा एडवांस गए मौका था नहीं वहां पे एक पॉइंट की नीड पैंथर्स के पास मुकाबला अगर ऐसे चला तो ये लीजिए पहले यहां तो ये कहानी ले लीजिए सुपर टैकल ड्रॉप सुपर टैकल कामयाब मगर की चप्पल से निकल पाना संभव नहीं था बहुत ही सॉलिड टैकल ये सुनील का और अब हरियाणा को लेकर गए हैं प्लेऑफ्स के अंदर बहुत बड़ा श्रेय जाता है कोच मनप्रीत सिंह को और आपको प्लेऑफ्स के स्केड्यूल बता दें दोस्तों 26 फरवरी को एलिमिनेटर खेला जाएगा यहां रॉबिन चौधरी पूरी कोशिश करते हुए लेकिन बाहर जाएंगे और 26 फरवरी के एलिमिनेटर में टीम नंबर 3, 4, 5 और 6 भिड़ेंगे बिल्कुल तीन खेलेगी 6 से 4 खेलेगा 5 से दोनों के विजेता जाएंगे सेमीफाइनल में इस खेल का 90% समय तेलुगु टाइटंस के हिस्से में रहा है वो हावी रहे उनके ऊपर और यहां पर जयपुर पिंक पैंथर्स ने धकेल दिया है तेलुगु टाइटंस को ऑल आउट के पार 5 पॉइंट्स जयपुर पिंक पैंथर्स के और अब लीड इतनी लंबी कि तेलुगु टाइटंस का वापस आना बहुत मुश्किल होगा ऑल आउट होकर ऑल इन आने का मौका मिलता है कबड्डी टीम्स को पर जिंदगी में घर बनाने का मौका बार बार नहीं मिलता जब मौका मिले ले पंगा अब पवन ने अपना काम तो बखूबी किया 17 रेड पॉइंट 4 टैकल पॉइंट और क्या चाहिए आपको 3 टैकल किए 4 पॉइंट्स लेकर आए और यहां 2 पॉइंट्स का शिकार और लेकिन अब फासला काफी बढ़ चुका है मुकाबले में कोई और परिणाम नहीं आ सकता सिवाय इसके कि जयपुर पिंक पैंथर्स इस मुकाबले को जीतें पॉइंट्स टेबल में आज की शाम वो टॉप पर पहुंच जाएंगे नंबर 2, 1 एंड 2 पक्का है और ये एक बार फिर रिस्ट होल्ड पवन शेरावत हाई फाइव पूरा कर लिया पवन शेरावत ने सुपर 10 भी 51 पॉइंट्स जयपुर पिंक पैंथर्स के 44 पॉइंट्स तेलुगु टाइटंस के और आज की शाम का ये बेहद मजेदार मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स के नाम रहा 40 मिनट के खेल में तकरीबन 30-35 मिनट तक के तेलुगु टाइटंस हावी रहे लेकिन इस खिलाड़ी ने आकर गेम बदल दिया कप्तान सुनील